उन्नाव में लगातार हो रही चोरी और छिनैती की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कचहरी का है, जहां स्टंप विक्रेता के साथ नाबालिग टप्पेबाजी कर उसका बैग लेकर फरार हो गया। शातिर बच्चे ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब स्टंप विक्रेता शाम को अपने घर जा रहा था। हम यहाँ बैठे थे, हमारा बैग लेके पूरा लेके चले गए, उसमें कैश था और 10 रुपया लेके 5,000 पेपर थे, वकील साहब के बयान उसमें टाइप करके रखे थे, सब लेके बैग चला गया। कितने रुपए कीमत तक के स्टंप होंगे? 10 रुपए से लेके 5,000 तक की। कौन ले गया? टोटल अमाउंट कौन ले गया? एक छोटा बच्चा लेके चला गया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शातिर बच्चे को जल्द पकड़ने का आश्वासन दे रही है। मामला है, क्या है पूरा मामला और कितने लाख का स्टाम्प है? अभी अभी एक स्टाम्प वेंडर श्री संतोष कुमार हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस में यहाँ पर स्टाम्प वेंडर का कार्य करते हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई है कि अभी शाम, ये कुछ समय पहले, ये अपने जो इनका कार्यस्थल है उस स्थल पर अपना बैग रखे हुए बैठे थे कि इसी बीच कोई कम उम्र का बच्चा अथवा युवक उनका बैग लेकर भाग गया है। इस सूचना पर इनके द्वारा दो तहरीर दी जा रही है और उस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि कचहरी क्षेत्र के पुलिस मालखाने में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अब देखना ये होगा कि चोरी की घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कौन सा नया कदम उठाती है। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।